जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? चलिए जानते हैं। बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्य की रचना की थी। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे कि किसी की वाणी ही न हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक सुंदर चतुर्भुजी स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। फिर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी प्रदान की, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम सरस्वती रखा। इस देवी की उत्पत्ति माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था, इसलिए इनके जन्मदिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं और सब लोग पीले रंग के वस्त्र पहनकर इस उत्सव को मनाते हैं।